माननीय जयराम रमेश डिप्टी चेयरमैन सर, सर हमारे साथी किरण रिजिजू नहीं है, पर एक बार फिर मैं बता दूं कि विपक्ष की विशेष मांग थी कि डोनर मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पर चर्चा हो, तो ये कहना गलत है कि हम नहीं चाहते थे। ये हमारी पिछले हफ्ते से मांग रही है और आपने भी इसको स्वीकारा। सर मेरे मंत्री जी से सिर्फ दो सवाल हैं, सीधे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ और मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होने के बाद पिछले 16-17 सालों में करीब 18 लाख व्यक्तिगत पट्टे दिए गए हैं, तो व्यक्तिगत पट्टे के नज़रिए से ये कानून बहुत सफल रहा है, बहुत प्रगतिशील कानून है। पहले यूपीए के सरकार में शुरुआत हुई, बाद में एनडीए के सरकार ने इसको आगे ले चला, पर जो सामुदायिक अधिकार है वो आज भी बहुत कम है, जितना होना चाहिए था उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, खास तौर से इन 3 राज्यों में सामुदायिक अधिकार देने में हम असफल रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कदम मंत्रालय की ओर से लिया जा रहा है ताकि ये सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जो मकसद था अधिनियम का, वन अधिकार अधिनियम के 2 मकसद थे, व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे, एक में हमें सफलता हम पाए हैं, पर इस सामुदायिक पट्टे में, सामुदायिक अधिकार की पहचान में हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मैं मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि इस पर कुछ टिप्पणी करें। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ 2013 में और जो सभी पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए जो कानून है, उसमें प्रावधान किया गया है पिछले 13-14 सालों से कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो राइट्स को सेटल करना चाहिए, उसके सेटल करने के बिना पर्यावरण या फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाएगा, और ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। मैं मंत्री जी से ये सवाल पूछूंगा कि क्या ये कानून, खास तौर से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जो ये प्रावधान किया गया था आदिवासी इलाकों में, खास तौर से ग्राम सभा की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या वो लागू हो रहा है कि नहीं? ये सिर्फ मेरे 2 सवाल हैं। धन्यवाद। हेच्चिन वीडियो गलिगे प्रतिध्वनि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माड़ी, बेल आइकॉन क्लिक माड़ी।